सोलन शहर में आज उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब मरीज को एक 108 एम्बुलेंस में क्षेत्रीय अस्पताल ले जाते समय उसका टायर फट गया। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि एम्बुलेंस का टायर फट जाए तो आप सहजता से समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस की हालत कितनी खराब है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 108 एम्बुलेंस मरीज को लेने बसाल गई थी। जब 5 किलोमीटर से भी कम का सफर तय कर मरीज को लेकर चंबा घाट पहुंची तो उसका टायर फट गया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस पलटी नहीं, वह मरीज एम्बुलेंस में ही जिंदगी व मौत की जंग लगभग 20 मिनट तक लड़ता रहा। करीब 20 मिनट के पश्चात दूसरी 108 एम्बुलेंस में पीड़ित व्यक्ति को शिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस के टायर व इसकी कंडीशन पहले से ही खस्ता है, इसका खुलासा बीते सप्ताह भी हुआ था जब डॉक्टरों की टीम द्वारा 108 का निरीक्षण किया गया, तब भी कई खामियां इसमें पाई गई थी। वहीं कंपनी प्रबंधन दावा करती है कि उनकी एम्बुलेंस सही से कार्य कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा नहीं सरकार की तरफ से फंड नहीं आता, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा इन गाड़ियों की समय रहते मरम्मत सुनिश्चित नहीं की जाती।